राजश्री से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। पहले हमारे होटल का बिजनेस 100% हुआ करता था। लोग दो दो महीने पहले बुकिंग करा लिया करते थे, लेकिन अब वर्षों पुराने कस्टमर्स भी यहां नहीं रुकते। सारा बिजनेस चौपट हुआ जा रहा है। सर, आप तो अच्छी तरह जानते हैं माधव सिंह कितना बड़ा गुंडा है। उसकी पीठ पर हिम्मत भाई जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट का हाथ है। सर, आप बुरा ना मानिए, जब सारा शहर हफ्ता दे रहा है तो हम भी दें। गुंडागर्दी बढ़ाने में उनका साथ दें, हम ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। हमारा चाहे जितना भी नुकसान हो जाए, हम उनके आगे सर नहीं झुकाएंगे। मैं कमिश्नर साहब से इस बारे में बात करूंगा, लेकिन तुम लोग एक बात का ख्याल रखना, इस बारे में सूरज को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। सर, अब सूरज जी को तो ऑलरेडी पता चल चुका है। ओह माय गॉड। चाहिए साहब सिगरेट या पान? जान चाहिए जान। जान तुम्हारे नायक माधव सिंह के। माधव सिंह के। माधव सिंह के मारो चूहा। ये लोग मेरी तरफ आ रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं? क्यों, दिखाई देना बंद हो गया क्या? क्या बोला तूने? अच्छा, सुनाई देना भी बंद हो गया? अबे अंधे भैरे, अब तू मर गया? डर गया? मुझे जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं डरूं किससे? देखता हूं इन्हें। मेरी आंखों का प्रॉब्लम यह है कि मुझे दिखते दिखते अचानक देखना बंद हो जाता है, और कानों का ये प्रॉब्लम है कि सुनते सुनते ऊंचा सुनाई देता है। इसलिए कान का मशीन कब लगाना है और ये चश्मा कब लगाना है, कैसे लगाना है, टाइमिंग की तरह गड़बड़ है। तो सिंह तेरे सर पे नहीं फूका, इनके सामने खड़ी है। सूट बूट पहनकर दादागिरी करने आए हो साहब? तो
ठीक है माधव सिंह? अबे ओ, तू पागल तो नहीं है? मौत से डर नहीं लगता तुझको? मौत से वो डरता है जिसे जिंदगी से प्यार हो। तेरी शायरी की तो कहाँ गए थे तुम? मैं माधव को समझाने गया था बाबूजी। समझाने गए थे और करके क्या आए हो? वो समझने को तैयार नहीं तो मैं क्या करता बाबूजी? अरे भैया, सूरज ने थोड़ी पहले हाथ उठाया, पहले उसने कुछ किया तभी तो सूरज ने उस पे। तुम लोगों के लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। क्यों, तू प्यार नहीं करता? तू तो सबसे ज्यादा इसे प्यार करता है, इसीलिए तो फिक्र रहती है। दोबारा कभी उनके मुंह मत लगना, कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं है हिम्मत भाई। भगवान न करे तुझे कुछ हो जाता तो तेरे बाबूजी का क्या होता? सूरज मतलब उस बलवंत सिंह का बेटा? अरे क्या है, चुप! उसने हिम्मत भाई की हिम्मत को ललकारा है। मैं उसके हाथ पर तोड़वा कर मॉल रोड के चौराहे पर फेंकवा दूंगा। कूल इट डैड, कूल इट। देखा, मेरी बेटी कितना अच्छा पियानो बजाती है। अरे ऐसे क्या दिख रहा है, पहचाना इसे? सपना। और तुम सूरज? अरे वाह, ये अच्छा इंट्रोडक्शन हुआ। तुम दोनों को किसी ने एक दूसरे से नहीं मिलवाया, फिर तुम दोनों ने एक दूसरे को कैसे पहचान लिया? हाँ बुआ, बाबूजी ने कल ही तो बताया था कि उनके बचपन के दोस्त चीमांकल आ रहे हैं, तो उनकी बेटी सपना ही होगी। लेकिन बेटी जी, तुमने इसे कैसे पहचाना? हाँ? दादी अक्सर इनकी बातें करते रहते हैं और कहते हैं कि हमारे दोस्त के घर में भी एक शायर है। शायर वायर तो नहीं, हाँ कुछ टूटा फूटा कभी कभी लिख लेता हूँ। ओ सूरज पुत्र, सूरज सूरज सूरज, काका की हाल है? जीता रहे जीता रहे। जब फिपाला ठंड पे आ गई यार। पर आप लोग यहाँ कहाँ से आ रहे हैं? ये लेने गए थे, मेहमान घर पर भी आ गए और ये जनाब स्टेशन पर ही बैठे हुए। अरे मुझे क्या पता था कि भटिंडा से आने वाली लड़की इतनी मॉडर्न होगी। अरे एक सीधी साधी लड़की सलवार कमीज पहने गाड़ी से उतरी, यहाँ वहाँ देख रही थी, मैं पहुंच गया, मेरे का सपना, और मेरी बदनसीबी देखिए उसका भी नाम सपना। सपना नहीं, रचना। रचना नाम था जिसे आप सपना समझ रहे थे। ठीक है, जो भी है, मैंने सपना समझा ना। मैंने पूछा पिताजी कहाँ है? जी वो चल बसे। मैंने कहा गाड़ी में? उन्होंने जी गाँव में। मैं तो वहीं बैठ गए शौक बनाने। इतने में सब लोग आ गए और चीमा साहब इतने करीब आ गए। अब आप सोचिए, जो आदमी जिसका शौक बना रहा हो सामने खड़ा हो तो कितना शौक लगे। यार जल्दी खत्म कर, एक पैक और पीना है अभी। हाँ अरे जवानी की पोल खोलने से पहले ये तो देख ले कि जवान बेटी सामने बैठी है, कोई शर्म है कोई हया है? अरे इसे सब कुछ पता है, भाभी ने सब कुछ बता दिया होगा। क्यों सपना, लेकिन एक बात तुम्हारी मम्मी ने नहीं बताई हो जो उन्हें भी पता नहीं थी, मैं बता दूं। मत बोल यार, मत बोल, कुछ मत देखा यार, कुछ मत। सिर्फ मैं नहीं, सारे मर्द ऐसे होते हैं। खाना खाओ, खाना। यार चीमा, मजा आ गया तेरे आने से।
कुछ दिन और रुक जाना, इतनी जल्दी क्या है जाने की? यार दिल तो मेरा भी यही चाहता है, पर क्या करूं, अगले हफ्ते तक मेरा वहां पहुंचना बहुत लाजमी है। लेकिन हमारी सपना यहीं पर रहेगी। यस, बट सपना के कॉलेज की एडमिशन का जिम्मा तुम्हारा। बेफिक्र ही अंकल, एडमिशन हो जाएगा। ग्रेट। सूरज बेटा एक एक ड्रिंक और। यार बलवंत, सूरज से मिलके बहुत अच्छा लगा यार, बहुत खुशी मिली यार। अच्छा हुआ जो तुमने उसके सर पे हाथ रख दिया, वरना वो अपनी माँ के प्यार के लिए तरस जाता। बाबूजी, सूरज आपका बेटा नहीं है? बेटी, वो मेरा अपना बेटा नहीं है, लेकिन बेटे से कम भी नहीं है वो मेरे लिए। इतना सा था जब मैंने उसे गोद लिया। बहुत बड़े खानदान का बदनसीब बेटा है, जिसे कभी अपनी माँ का प्यार नहीं, उसकी माँ ने हमेशा उसे अपने से दूर रखा। उसका पूरा बचपन अकेले तन्हा सर्वेंट्स क्वार्टर में गुजरा, यह सोचते हुए कि उसकी माँ का सारा प्यार सारा दुलार सिर्फ उसके छोटे भाई के लिए क्यों है। तूने फिर खाना नहीं खाया? माँ मुझे सॉरी क्यों नहीं सुनाती? बेटा वो मुझे माँ के पास ले चलो। पापा प्लीज, पापा मुझे माँ के पास जाना। पापा प्लीज, पापा पापा प्लीज। बेटा पापा, क्यों मेरी माँ नहीं है? नहीं बेटा, वो तुम्हारी अपनी माँ है। तुमने
उसी की कोख से तो जन्म लिया। पापा फिर माँ मुझसे प्यार। बेटा सुनो, बेटा तेरे हर सवाल का जवाब तुझे मिल जाएगा, बस तू बड़ा हो जा। मुझे माँ पास ले चलो, मुझे माँ पास ले चलो। प्लीज पापा, पापा प्लीज पापा। हर जगह ढूंढ कर आया तुझे, जब कहीं नहीं मिला तो मैं समझ गया कि मेरा यार इस राजपूताना हवेली में खड़ा अपनी माँ को याद कर रहा होगा। आज फिर ऐसा क्या हो गया मेरे यार जो तू अपने बीते हुए कल से मिलने चला आया? तुझे उसका चेहरा आज भी याद है ना? कोई अपनी माँ की सूरत भूल सकता है? बस कहीं से भी आए मुझे अपने सीने से लगा ले। क्या कहूं यार, दर्द ने जन्म दिया तुझे या जन्म ने दर्द ही दर्द दिया तुझे, पता नहीं क्या सच है। दर्द भरा जमाना है, खाली मेरा पैमाना है। शराब पीने का शौक नहीं है लेकिन गमों को भुलाना है। इतने बदमाश थे दोनों, इतने बदमाश और... कि जब ये कैसी आवाज है? चलिए देखते हैं, चलिए ना। गॉड, दादी माँ दिन में सूरज से मिलके कोई सोच भी नहीं सकता कि रात को यही सूरज अंधेरे में डूब जाता होगा, यही ना। एक माँ अपनी औलाद को छोड़कर चली गई, क्यों दादी माँ? ये तो हम में से किसी को भी नहीं मालूम बेटी, सूरज को भी नहीं मालूम। जिंदगी में कई सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब ना मिले तो इंसान न जी पाता है और ना ही मर पाता है। तुमने कभी सोचा है
सूरज खुद ही बुझा बुझा सा रहने लगे तो आसपास कितना अंधेरा हो सकता है। तुम्हें शायद मालूम नहीं, तुम्हारे दुखी होने से औरों को भी तकलीफ हो सकती है, और फिर ऊपर वाला किसी के भी हिस्से में सिर्फ दुख नहीं लिखता, उन दुखों के साथ साथ वो खुशियां लिखता है, प्यार देता है, बस इंसान को कभी कभी वो दिखाई नहीं देता। इस तरह शराब में डूबने के बजाय उन खुशियों को, उस प्यार को तलाश करो। जिंदगी का एक दूसरा रूप भी है जो बहुत खूबसूरत है, उसे जी कर देखो। I'm sorry, अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा इसीलिए। एक्चुअली मुझे भगवान का नहीं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे कॉलेज में एडमिशन मिली। सूरज बेटा। माँ जी? कैसे हो बेटा? अरे आपको तो ठंड लग रही है। बेटा पहाड़ पर गई थी ना, वहाँ पर बहुत हवा चल रही है, इतनी ठंड लगने लगी मुझे, मैंने सोचा थोड़ा चल फिर लूँ तो गर्मी आ जाए। ये लो, अभी जाकर कंबल खरीदो। झुक झुक जो बेटा, भगवान तुझे जिंदगी में इतनी खुशियाँ दे, इतनी खुशियाँ दे कि हमेशा खुश रहे बेटा, हमेशा खुश रहे। कौन थी ये सूरज? एक दुखियारी है, जिंदगी भर लोगों के बर्तन मांझती रही, कपड़े धोती रही, जानती है क्यों? अपने बेटे के लिए। और जिस दिन ये बेटा बड़ा हुआ, माँ को छोड़कर चला गया, उस दिन से बेचारे पागलों की तरह घूम रही है, भीख मांगती रहती है। That's so sad. अजीब दुनिया है। हाँ, अजीब दुनिया ही है। कभी बेटा माँ को छोड़कर चला जाता है और कभी माँ बेटे को छोड़कर चली जाती है। सूरज, अरे क्या बात है, वाह वाह वाह, पूरे बठिंडे की खुशबू आ रही है। ये ले खा। लेकिन बाबूजी, आप लोग डिनर पे सूरज का इंतजार नहीं करते? सूरज तब तक क्या भूखे मरे? तू? अरे क्या हूँ कर रहे, खाना खा लो। अरे सूरज, आज 9 बजे? है सूरज, अच्छा हुआ तुम आ गए। भाई सुना है कि तुमने कुछ नई शायरी लिखी है, एक फड़कता हुआ शेर हो जाए। ओ, हो जाए, जंगल चल के मार के आते। शट अप जोगनू। कम ऑन सूरज, एक शेर हो जाए। ओ, शेर, शेर। सुना दो बेटा, कोई रंगीन सा शेर सुना। तुम्हारे चाचा को अपनी जवानी याद आ जाए। सूरज कोई भी शेर सुनाना, मगर वो शराब पे बस सुनाना प्लीज। सुना ना सूरज। कम ऑन सूरज। कल शाम से उसके तसव्वुर का नशा था इतना, नींद आई तो आंखों ने बुरा मान लिया। वाह वाह, कल शाम से उसके तसव्वुर का नशा था इतना, नींद आई तो आंखों ने बुरा मान लिया। वाह वाह, क्या बात।
बातें करेंगे अपनी जुबान से कुछ ना कहेंगे क्या कह दिया कि शराब बुरी चीज है तो तुमने शराब छोड़ दी फिर भी तेरे साथ बैठा तो हूं ना नहीं 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 शराबी शराब खाने से जाए शराब से ना जाए देख सूरज तू सपना से बोल दे कि तू उससे प्यार करता है अरे देर मत कर दोस्त एडवांस बुकिंग करा ले वरना करंट में हमेशा हाउसफुल का बोर्ड देखने को मिलता है आइए भाई साहब आइए कितने पैसे हो तुम्हारे कुंवारे शादीशुदा हूं भाई साहब मतलब आप कान के वैसे हैं पैसे रुपए कहिए 1300 रुपए 1300 रुपये इतने कम 200 और दे देता हूँ टिप के 1500 सुनने में अच्छा लगता है ना एक मिनट भाई साहब दूसरे जेब में होंगे तीसरे में इधर तो जेब ही नहीं है ब्रदर लगता मेरा पर्स चोरी हो गया यार देखिए भाई साहब मैंने आज ही धंधा शुरू किया और आप मेरी पहली सवारी हो इतना भारी भयानक मजाक मत कीजिए देखिए मेरा हार्ट फेल हो जाएगा मेरा खून गिर जाएगा आप अंदर हो जाओगे फायदा क्या किराया कमाल के आदमी है यार आप आपको तो अपने भाड़ी के पड़ी हुई है या मेरे जेब से 500 के 500 नोट चुराए गए और आपको तो हमदर्दी नहीं है यार लगता है इनको हमदर्दी दिखानी पड़ेगी एक मिनट भाई साहब भाइयों भाई इनका पर्स खो गया जरा इनको हमदर्दी दिखाइए प्लीज इनकी बात देने को किराया नहीं है इनको जरा और हमदर्दी दिखाइए प्लीज किराए के कितने पैसे हुए जुगनू भैया 1500 रुपए 1500 रुपए 1000 रुपए किराया 200 रुपए बख्शीश अरे काहे का बख्शीश यार देने के लिए किराया नहीं यार तूने तो बोला था और सुनिए 300 रुपए का 5 सिगरेट ये वो कहता 500 पाउंड की छुट्टे नहीं है अब कहता बटवाई नहीं है अरे 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 यार पैसे ही तू सूरज रुक जाओ कितने पैसे हुए सूरज इसके पैसे तुम दोगे काफी देर से मैं तमाशा देख रहा हूँ
ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, और दिखता नहीं, शक्ल सूरत से एकदम खानदानी लगता है। बिल्कुल सही पहचाना आपने बिग ब्रदर, मैं सच्ची बहुत ऊंची खानदान का हूँ। क्या करूँ, अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माय वॉलेट, वरना मैं पैसे दे देता था, क्रेडिट कार्ड भी थे उसमें। पापा कितने पैसे हुए? 1500 रुपए। ए 1500 काय के, 200 काट लो। ठीक है 1300 रुपए दे दो। हाँ 1500 ये लो। देख ले तो तेरे को क्या क्या है मेरे ना अभी पैसे। अरे ओए बिग ब्रदर, ओए ब्रदर 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 ब्रदर, कहाँ जा रहे हैं आप? आपका पता वाता तो दीजिए ना, पैसे वापस देने आपके। नहीं ठीक है। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं रिस्पेक्टेड फैमिली से आया हूँ ना, प्लीज काट दीजिए ना, मैं पैसे लौटा दूंगा आपके, आई प्रॉमिस। ये लो। थैंक यू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। सूरज सिंह पार्टनर, गार्डन पार्क रॉयल होटल। ये लीजिए आज की आपकी कमाई। ये लो तुम्हारी आज की तनख्वाह, कल से आने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? आज तो सूरज बाबू ने पैसे दे दिए, कल कौन देगा? मनोज राज चौहान, डैमेज चेक अगेन, मेरे नाम से बुकिंग होगा। सॉरी सर, आपके नाम की यहाँ कोई बुकिंग नहीं है। Are you sure? वो सूरज का बच्चा कहाँ है? सर, एक्सक्यूज मी सर, आप हमारे बॉस के बारे में बात कर रहे हैं? बॉस होंगे आपके, मेरा तो बचपन का दोस्त है, लंगोटिया यार है, आने दस साले को तो छापड़ ऐसे लगाऊंगा ना, एक तो हाथ पर छोड़ के मुझे यहाँ बुलाता, ऊपर से रिसीव करने भी नहीं आता, और यहाँ देखो तो कमरा भी नहीं है, गलत बात है ना? गलत बात तो है सर। गुप्ता जी, लगता है सूरज साहब जल्दबाजी में अपने दोस्त की खबर देना भूल गए हैं। लेकिन सूरज साहब ने तो आजकल पीना छोड़ रखा है। शायद इसीलिए भूल गए सर। अच्छा अच्छा अच्छा, कहीं ऐसा ना हो सर ये जल्दबाजी में चले जाए और आपकी नौकरी भी साथ साथ चली जाए। मैं जा रहा हूं, दिस इज एन इंसल्ट। सर 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 सर, एक्सक्यूज मी सर, वो आप कमरा कमरा कर रहे थे ना, एक्चुअली आपके नाम का स्वीट बुक है सर, स्वीट। जाओ जाओ जाओ, तैयार करो तैयार करो। आई लाइक दैट, आई लाइक दैट, आई लाइक यू। थैंक यू सर। मालिक की गलती छुपाए, नौकर ऐसे ही होने चाहिए। थैंक यू सर। ठीक है, मैं स्वीट रूम में रह जाता हूँ। लेकिन सुनो, सूरज को बताना मत मैं आ रुका हूँ। नो, मैं देखना चाहता हूँ उसे कब मेरी याद आती है। राइट सर। ऐसे मुंडी क्या हिला रहे हैं आप? आपको आपके बाप की कसम है। सर सर, आप शायद अपने दोस्त के बारे में बताना भूल गए थे, लेकिन मैंने उन्हें रहने के लिए स्वीट रूम दे दिया है। दोस्त राजा, और सर प्लीज आप उन्हें यह मत बताइएगा कि मैंने आपको याद दिला दिया है कि वो आ गए हैं, उन्होंने मुझे मेरे बाप की कसम दी है। कसम दी है ना? सर वैसे भी मेरे बाप का देहांत हो चुका है, तो कसम टूट जाए तो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, स्वीट रूम ना। राइट सर। रखो रखो रखो, कम इन। सर ये दरवाजा बाहर से नहीं खुलता। हाँ तो खोलो ना, मैं खोलूं। सर आपको मैं समझाता हूँ सर। सर वो क्या है ना, तुम लोग क्या देख रहे हो यार, जाओ ना। अरे रुको, इसका सामान उठाकर बाहर फेंको। सर सर वो क्या, आपस की बात है, आपस में निपटा लेते ना। अरे इनको भी तो देखने दो, यहाँ पर मैं 400 बीसी करने वालों के साथ क्या करता हूँ। सर भूख लगी थी सर, सर मैं बर्तन घासने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, बाहर फेंको। ए क्या कर रहा है यार, जा ना। सर बैग में, चलो तुम ही फेंको। सर बैग में सामान, बैग अप, बैग और कुछ लाए थे यहाँ पर? सर इज्जत लाया था, वो भी आपने। इज्जत? सर कसम से अच्छे घर का हूँ मैं। अच्छे घर का? तेरी तो आग में लग गया। अरे बेटा तुम, अरे रस्तोगी अंकल, आंटी, रस्तोगी साहब, आंटी, फाइन फाइन, आप इसे जानते हैं? हाँ हाँ भाई, जयपुर का है, बहुत बड़े घराने का है, इसकी बहुत बड़ी कोठी है वहाँ पर। हाँ बताइए। और बेटा छुट्टियाँ मनाने हो यहाँ पर? हाँ लेकिन कोई अगर छुट्टियाँ मना दे दे तो ना। अरे नहीं, यहाँ के पहाड़ बहुत खूबसूरत है। हाँ और यहाँ के पहाड़ खतरनाक भी बहुत है। Enjoy yourself young man, enjoy yourself. Bye. सुना आपने, आ जाओ तुम जाओ। Excuse me, with or without luggage, सब कुछ लेकर अंदर आओ। Thank you. देखो माना कि तुम्हें कच्चे खानदान से भाई वो लगा, बड़े भाई इसलिए क्योंकि हर बार आपने बड़े भाई की तरह मेरी मदद की। क्या मैं आपको बड़े भाई कह के बुला सकता हूँ? शौक से। थैंक यू बड़े भाई। प्रॉब्लम क्या है, माँ मेरी जबरदस्ती शादी करवाना चाहती है, जबकि मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ। अच्छा, हाँ कहाँ है वो लड़की? पते का तो पता नहीं, हाँ लेकिन पता चला कि वो इसी शहर में है। बड़े भाई एक ही झलक में
मैं उसे दिल दे बैठा। तुमने उसे फैशन शो पे देखा, तस्वीर भी खींची होगी? देखने से फुर्सत मिलती तब तस्वीर खींचता ना बड़े भाई, होश ही उड़ गए थे। अजीब लग रहा है ना आपको, लेकिन बड़े भैया ये दिल का मामला होता ही ऐसा है। सोच रहे हैं आप, मूड से तो लगता है आप किसी के प्यार के चक्कर में हैं। सोच रहा हूँ कितने बेवकूफ हो तुम, लड़की का पता मालूम नहीं, उसे ढूंढने निकले हो। कैसे ढूंढोगे? आपकी मदद से। बड़े भैया आप मेरा साथ देंगे तो मेरा काम हो जाएगा, प्लीज बड़े भैया, प्यार का मामला है। ठीक है। तुम यहाँ क्या करो? अरे तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो यार? अरे यार तुम्हारी ऐसी नजर लगी मेरी टैक्सी पे, वो धंधा बंद करके मैं ये कैंटीन चला रहा हूँ। अच्छा अच्छा आदमी है यार, यहाँ भी सताने आ गए, किसने पता बता। अरे तू दोबारा मेरी जिंदगी में क्यों आया भाई? क्या बिगाड़ा मैंने, तू आया क्यों बता? अरे मैं कहाँ आया यार, आप आए मेरी जिंदगी में। अच्छा मैं आया? हाँ। हम कहीं पिछले जन्म के रिश्तेदार तो नहीं, कुंभ मेले में पिछले भाई तो नहीं? कमाल है यार, मेरी मुंह की बात छीन ली आपने, मैं भी यही सोच रहा था। भाई भाई मेरे भाई, अभी हम एक दूसरे के भाई हुए ना? हाँ। तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ना? कौन किसकी करेगा? आप पहले कीजिए ना। क्या? अरे मेरी मदद। अरे यार। अच्छा ठीक है, किस लड़की को छेड़ने आए हो? आपको कैसे पता चला मैं यहाँ लड़की को छेड़ने आया हूँ? आपकी शक्ल देख के। बोलो। थका लगता हूँ ना। अरे तो ही तो पॉलिटेक्निक कॉलेज है शहर में, एक आध तो चक्कर मार चुका हूँ, तो फिर यही कहीं होगी ना वो? Yes, exactly. यही कहीं होगी, मिल लो, ढूंढ लो और छेड़ लो। मुझे कैंटीन चलाने दे मेरे भाई, मेरी कचौड़ी सैंडविच समोसा। अबे कैंटीन बंद करवाएगा मनु, चल। सुनिए। What luck है। अच्छा तो तूने उसको बता दिया ना? Hi. तुम्हें बुला रहा है सपना? हाय, पहचाना नहीं? नहीं। अरे कमाल है, बाकी भटिंडा में सब ठीक है ना? हाँ लेकिन आपको मैंने पहचाना नहीं ना। आप पहचानते भी कैसे, हम कभी मिले ही नहीं। नवीन ने मैं थे यार। नहीं मैंने आपको देखा है फैशन शो में। कौन ही? तब से लेकर अब तक आप ही को ढूंढ रहा हूँ। सपना जब मैं घर से निकला ना तो 2,00,000 रुपए थे मेरे जेब में, और अब कुछ भी नहीं। ओहो, तो क्या आप इनसे पैसे मांगने आए हो? डोंट बी सिली, मैं तो इन्हें ये बताने आया था मैं इनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा तो तुम कुछ भी कर सकते हो? ऑफ कोर्स, जान भी दे सकता हूँ इनके लिए। नहीं नहीं सपना, जान देने को मत कहना वरना अंदर हो जाएगी। वेरी फनी। अच्छा तो तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो? ऑफ कोर्स। उस आदमी को देख रहे हो? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? बस उसकी टोपी लेकर आओ। क्यों सोच रहे हो? नहीं नहीं सोच रहा था, काम बताया तो इतना छोटा, टोपी लानी है ना उनकी, पतलून तो नहीं ना है? नहीं नहीं लाया अंकल। अब प्रिंसिपल साहब इसे छोड़ेंगे नहीं। अब हमारा कॉलेज भी डांस कंपटीशन में हिस्सा लेगा। ओके हैप्पी? प्रिपेयर सीरियसली। नमस्ते अंकल। नमस्ते, आपकी टोपी बहुत अच्छी है, मुझे देंगे? व्हाट? हेलो आंटी। आंटी ओ ये क्या बात है इसकी, पकड़ो इसे। अरे छोड़ो यार छोड़ो यार। सपना जी पुलिस, पुलिस स्टेशन से फोन आया था, उन्होंने किसी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। पर उससे मेरा क्या लेन देन है? सर वो कहता है कि आप उसके बड़े भाई हैं और उसके पास आपका कार्ड भी है। मैं इस आशय को कहां से ये कार्ड दे बैठा? इसको पैक कर दो। हाँ कर दो भाई। और बुआ जी आप तो कहती थी कि सूरज घर के कामों में कभी साथ नहीं चलता, मगर वो देखिए वो तो ज्वेलरी भी पसंद कर रहा है। हाँ? हाँ? अरे हाँ सूरज में काफी बदलाव आ गया है। yes. और क्यों आया है ये तो वो ही जाने। वो दिखाना जरा। हाँ। जुकी ये कैसा है? कितने का है? सपना तुम भी अपने लिए कुछ पसंद करो ना।
सपना पसंद करो ना। नहीं बाबूजी, मुझे ज्वेलरी का कोई शौक नहीं। ओफो, आज नहीं कल तो पहननी पड़ेगी। तू पसंद नहीं करेगी तो कोई और पसंद करेगा, है ना? आप भी ना बुआ जी। आहा, बड़ा खूबसूरत हार है। किसके लिए ले रहे हो? तुम्हारे लिए। हाँ? इसे पहन के दिखाओ। खुद ही पहना दो। वाओ, कैसा लग रहा है? अब खूबसूरत लग रहा है। सूरज बाबू, सूरज बाबू, पैक कर दूं? नहीं से जरा सिरची संभाल के रखना, मैं बाद में लूंगा इसे। बोल, क्या पीगी? पेप्सी। पेप्सी? तू? पेप्सी। पेप्सी? हाँ। क्या बात कर रही है यार, मैं तो कॉफी लूंगी। एक लड़का है जो कब से मेरे पीछे ही पड़ गया है। हाँ? देख 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 किधर देख। ओ गॉड। ठीक करो। ठहर जा। क्यों जादे? नहीं आमिर जादे, यही है वो लड़की। इसको छेड़ेगा तू? हमारी लड़की को छेड़ेगा तू? आपकी लड़की? हाँ। ना शक्ल सूरत आपकी, ना आदतें आपकी, तो वो कौन है जो कनाडा चला गया? ओ, तो पूरी हिस्ट्री निकाली हुई है। अरे यार, उनकी लड़की है तो क्या हुआ, जिम्मेदारी तो हमारी है। हमारी लड़की को छेड़ेगा तू? हमारी लड़की को छेड़ेगा तू? हमारी लड़की को छेड़ेगा तू? बाकी सब तो ठीक है, पैंट क्यों चढ़ा रहे हैं आप? आदमी में आसानी होगी ना। मुझे किस मालूम है? बात तो वो है जो गलत काम करते है, समझे? नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। और मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, चैलेंज करता है? ठीक है, देख लूंगा। देख लेंगे। I'm gonna do the dirty hair.
क्या करूं तुम्हारा? बड़े भैया जमानत दिलवा दीजिए ना, ताकि तुम फिर से सलाखों के पीछे चले जाओ। अच्छा लगता है तुम्हें वहां? बिल्कुल नहीं बड़े भैया, अपने खानदान का पहला वो इंसान हूं जो सलाखों के पीछे गया होगा। देखो तुम एक काम करो, मुझे उस लड़की से मिला दो, मैं बात करता हूँ तुम्हारी। अरे पहले मैं उसे पटा तो लूँ बड़े भैया, फिर मिलवाऊंगा ना। खाने से आशिक को माफ कर दो, जमानत के पेपर्स मैं शाम को साइन करने आ जाऊंगा। ओके। अच्छी तरह पूजा कर, नई नौकरी मिली मुझे। जय मैया अम्बे गौरी मैया। पढ़ सुनाई दे रहा मेरे को। आरती क्यों उतारी जा रही है? मेरी माँ कहा करती थी, जब कोई रास्ता नहीं मिले तो एक रास्ते पर निकल पड़ना, मंजिल मिल जाएगी। पर आपको तो आपकी मंजिल मालूम है, नौकरी और फिर नौकरी से निकाले जाना, फिर ये आरती किस लिए? पैसा, पैसा कमाने के लिए समझे, पैसा समझे, पैसा बहुत सारा पैसा। क्यों पैसा क्यों? दो आदमियों की सुपारी देनी है। कौन से दो आदमी? एक वो जिसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, दूसरा वो जब ये अंदर हो जाता है उसकी जमानत करवाता है। कौन है वो? वही लुक्का लफंगा गुंडा मवाली जो कॉलेज के चक्कर पे चक्कर काटता है और सपना को छेड़ता है। कौन है ये? ये वही है जिसकी टैक्सी का बिल तुमने चुकाया, ऊंचे खानदान वाला 420, सपना के नाक में दम कर रखा है उसने, पर अपनी सपना बिटिया जो है उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती, पर ये बेशरम उसके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। गुप्ता जी सर, राजा कहाँ है? सर वो राजा कहाँ है? तुम यहाँ क्यों आ गए? यहाँ से निकलवा दो तुम, तू रो जाओ। नहीं नहीं जुगनू भैया, मैं तो आपसे सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि सपना का एड्रेस क्या है। सपना क्यों? ताकि तुम जाके छेड़ सको उसे। अरे छेड़ के बताओ। आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं उसे छेड़ने नहीं, उसे अपनाने आया हूँ। मैं बहुत ऊंचे खानदान का हूँ। अच्छा आप मेरा काम कर दीजिए। हाँ। मैं कसम खा कर कहता हूँ आपको परमानेंट नौकरी दिला दूंगा अपने कंपनी। परमानेंट नौकरी दिला दोगे? देखो मिस्टर, अगर तुम ऊंचे खानदान से हो ना तो मैं नीचे खानदान से नहीं हूँ। अरे नहीं, अरे आप छिड़वा कर नौकरी ले लूँ। अरे आप मेरी बात चले जाओ भैया। लेकिन क्या हुआ बड़े भैया? बंद करिए बड़े भाई का नाटक। सपना एक इज्जतदार घर की लड़की है, हमारी मेहमान है। अरे दोबारा उसकी तरफ आंख उठाकर भी तूने देखा ना? जान से मार दूंगा। I'm sorry बड़े भैया, लेकिन मैं ऐसा कोई वादा नहीं कर सकता। छेड़ेगा तू उसे? देखिए बड़े भाई, मैं आपकी बात इज्जत करता हूं, लेकिन उससे कई ज्यादा सपना से प्यार करता हूं। छिछोरेपन को प्यार बोलता है? आप समझते क्या अपने आप को? मैं कोई ऐरा गहरा नहीं हूं, रघुवीर सिंह चौहान का बेटा हूं, चौहान इंडस्ट्री का। झूठ बोलता है? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं बड़े भैया, आपके शहर में जो राजपुताना हवेली है वो मेरी है। फिर झूठ? वो सावित्री देवी की है। हाँ वही सावित्री देवी मेरी माँ है, माँ है वो मेरी। अब आप कहोगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या अपनी माँ को माँ साबित करने का कोई सबूत है आपके पास? बताओ। आपका होटल छोड़ के जा रहा हूं मैं, ये शहर छोड़ के नहीं जा रहा हूं। आपको जो करना है आप कीजिए, मैं सपने से दूर नहीं जाऊंगा। बस यही सुनना चाहता था तुम्हारे मुंह से, जानना चाहता था कि तुम उसे कितना प्यार करते हो। मान गया राजा, तुम वाकई बहुत प्यार करते हो सपना से,
वैसे तुम्हारे प्यार का विश्वास था मुझे, लेकिन दिल में कुछ शक भी था, इसलिए मुझे इम्तिहान लेना पड़ा। राजा माफ कर दो मुझे, राजा I'm sorry। सच कहूं बड़े भैया, आप मेरे समझ के बाहर हो और तुम भी मेरी समझ के बाहर हो। माँ को अकेले छोड़कर, मेरा मतलब अपनी माँ को अकेले छोड़कर तुम चले आए, कौन ख्याल रखेगा उनका? सो तो है, पिताजी जब तक जिंदा थे सब ठीक था, 4 साल हो गए उनका देहांत होकर। उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मैंने माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ा, मगर क्या करता बड़े भैया, वो मेरी शादी को लेकर पीछे ही पड़ी थी, अगर नहीं भागता तब तक तो मेरे फेरे पड़ चुके होते। फिर सोचो बड़े भैया, सपना का क्या होता, कौन करता सपना से शादी? Just joking, big brother। सपना से शादी करने का सपना तो हजारों लोग देखते होंगे, मगर मैं सपना का सपना हर रोज देखता हूं। डरता हूं कि अगर मेरा सपना टूट गया ना तो मैं जीऊंगा कैसे। अगर एक तस्वीर मिल जाती तो ऐसा क्यों नहीं करते, तस्वीर के बजाय माँ को सपना से मिला दो। कमाल करते हो बड़े भैया, मैं खुद ही उसे पूरी तरह से नहीं मिला और आप कहते हो माँ से जाकर मिला दो। बड़े भाई मैं ये भी नहीं जानता कि वो मुझे पसंद करती या नहीं, फिर माँ को मिलने से इनकार कर दे तो? नहीं करेगी। तसल्ली नहीं बड़े भैया, मदद चाहिए, एक आखिरी बार मदद कीजिए प्लीज। देखिए वो आपके घर में रहती है, हाँ आपकी बातें मानती है, आप उसे समझा दीजिए ना कि मैं अच्छा लड़का हूँ, हाँ काम हो जाएगा मेरा, प्लीज प्लीज। मैं बात कर लेता हूँ। थैंक यू बड़े भैया, थैंक यू वेरी मच। बात सुन, माँ को तो यहाँ जल्दी से बुला ले। अभी बुलाता हूँ। हेलो। हेलो माँ। राजा। राजा तू नालायक बुद्धू बेवकूफ उल्लू गधे पाजी, कहाँ था इतने दिन तू? बहुत दिनों बाद बात कर रहा हूँ ना, तू आए दे रही है। माँ उसी से तो मिलने यहाँ शहर आया हूँ, हाँ मिल चुका हूँ उसे। माँ आपको मिलाना चाहता हूँ, आप जल्दी यहाँ आ जाइए। अरे नालायक तू है कहाँ? क्या तू है कहाँ? धर्मपुर में माँ, होटल में रह रहा हूँ मैं। इतनी बड़ी हवेली है खुद की और तू होटल में ठहरा है? माँ इतनी बड़ी हवेली में मैं अकेला कैसे रह सकता हूँ? बिना पैसों के इतने दिनों से इतने बड़े होटल में ठहरा कैसे है तू? माँ शहर में एक दोस्त मिला है, एक्चुअली दोस्त नहीं माँ भाई मिला है, भाई उन्हें मैं प्यार से बड़े भैया कहकर बुलाता हूँ, सब उनकी मेहरबानी है। एक मिनट आप उनसे बात कीजिए, आप हाँ एक बात कीजिए उनसे। हेलो। हेलो बेटा। आप आ रही हैं ना? मैं वहाँ जल्दी आ रही हूँ। बेटा ये जो राजा जिस लड़की की बात कर रहा है क्या तुम उसे जानते हो? हेलो हेलो बेटा तुम सुन रहे हो ना, मैं कह रही थी कि हाँ माँ मैं उसे जानता हूँ माँ, वो बहुत अच्छी है वो। हाँ माँ, माँ माँ तू जल्दी आ जा। ओके ओके बच्चे बाय। ओके बाय। क्या बात है बड़े भैया, आपकी आंखों में आंसू, क्या हुआ भाई? माँ से बात की तो माँ की याद आ गई। सपना तुम अभी तक सोई नहीं?
मुझसे किया हुआ वादा तोड़ दिया ना, तोड़ दी ना हमारी दोस्ती। दोस्ती नहीं तोड़ी मैंने, तू मेरी दोस्त है और हमेशा रहेगी। हाँ, वादा टूट गया मुझसे। क्यों? अच्छा ये बताओ, तुमने कभी प्यार किया है? ये कैसा सवाल हुआ? बहुत ही सीधा और साफ सवाल है, तुमने कभी किसी से प्यार किया है? बहुत प्यार? प्यार? जानती है सपना, ये प्यार का रिश्ता भी अजीब सा रिश्ता होता है। दुनिया के सारे रिश्ते इस रिश्ते में सिमट जाते हैं। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें कोई प्यार करता है, और तुम उनमें से एक हो। मुझसे? मुझसे कौन प्यार करता है? राजा। राजा? तुमने सिर्फ उसकी शरारतें देखी हैं, मैंने उसका दिल देखा है। प्यार करता है तुमसे, बहुत प्यार करता है। और अगर प्यार करने वाले को उसका प्यार ना मिले तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, जीना मुश्किल हो जाता है। सूरज, आज तुम कुछ बदले बदले से लग रहे हो। देखा, बात बदलने की कोशिश मत करो सपना। देखो मेरी बात पर गौर करो, राजा अच्छा लड़का है और तुमसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। देखो राजा, लड़की का दिल जीतना सबसे मुश्किल और सबसे आसान काम है। कभी वो अपना दिल एक पल में दे बैठती है और कभी महीने लग जाते हैं, लेकिन वो फैसला नहीं कर पाती। और तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। अरे बड़े भैया, उस छह शार के गाने तक तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपकी शायरी मुझे गा के सुनानी पड़ेगी। इसमें मुश्किल क्या है, मैं हूं ना, चलो गाओ। नहीं नहीं, आप सिखाओ। मैं? हाँ ठीक है। खुशबू का झोंका
हर पल मेरे ख्यालों में है। माँ की परी तरह अकेले तेरी याद में मैं लिखता रहा शायरी। सूरज हो ना मेरे बेटे के दोस्त, देखा पहचान लिया ना बेटा? हाँ माँ जी, पहचान लिया आपने। वो नालायक नहीं आया ना, मैं जानती थी वो नहीं आएगा, पर देखती हूँ कितनी देर बचता है।
चले चल भाई। कोई पुरानी बात याद आ गई? नहीं, कुछ नहीं। Hey, मां, मेरा बेटा। Thank you for coming. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Love you, love you. अरे छोड़ मैं गिर जाऊंगी। क्या कर रहा है? अरे कैसे गिरेगी तू? I love you, I love you. सूरज, आज सुबह इतने जल्दी उठ गए? तुम तो सारी रात के जागे हुए लगते हो बेटा। क्या बात, सोए क्यों नहीं? बाबूजी, माँ यहाँ आ गई है। माँ आ गई है बाबूजी। बाबूजी, मैं माँ को बता सकता हूँ ना कि मैं उनका बेटा हूं? नहीं सूरज, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं बाबूजी? देखो सूरज, मैं नहीं चाहता कि... क्या नहीं चाहते आप? हाँ, क्या नहीं चाहते आप? राजा से मिला तो मैं उसे बता नहीं सका कि मैं उसका भाई हूं, क्योंकि माँ ने नहीं उसे बताया। मैं डरता था कि... और अब वहां वहां आ गई है बाबूजी। मैं माँ को क्यों नहीं बता सकता बाबूजी? मैं माँ के गले लगना चाहता हूँ बाबूजी। और गले लगाने के बजाय उसने तुम्हें दुत्कार दिया, तो तुमसे दूर चली गई, तो बचपन की तरह तुमसे फिर से नफरत करने लगी, तो सह पाओगी? नहीं मेरे बच्चे, तुम ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, जी नहीं पाओगे। सूरज, तुम अपनी मां से कुछ नहीं कहोगे, कुछ नहीं बताओगे उन्हें। तुम्हें मेरा वास्ता। आप इस बच्चे को अपना रहे हैं, इसलिए मैंने आपको पूरी सच्चाई बता दी। आप ही कहिए, मां बेटे के लिए दूरी जरूरी है कि नहीं? बलवंत जी, इसीलिए इसकी मां को यह विश्वास दिलाना पड़ा कि उसका बेटा मर चुका है। मेरी तो भगवान से यही दुआ है कि वो दिन जिंदगी में फिर कभी ना आए जब एक बार फिर से इनका आमना सामना हो। कयामत हो जाएगी। ये क्या, मैंने तुझसे कहा था पहले प्रसाद लेना। खाओगी? वाह, बच्चा ही कितना है। वैसे तू कब ठीक से खाना सीखेगा? तुझसे ज्यादा ख्याल तो मेरा सूरज रखता है, जैसे तू नहीं वो मेरा बेटा हो। सूरज तो माँ जी। अरे नमस्ते सूरज बेटा, आओ आओ बैठो। कमाल है बड़े भैया, आप ही की बातें कर रहे थे। कम से कम 100 साल जिएंगे आप। नहीं बेटा, मजाक नहीं, सच। तुम्हारे आने से पहले हम तुम्हारी बात कर रहे थे। मेरी बात? मेरी क्या बात कर रहे थे माँ जी? यही कि सूरज बहुत अच्छा, अब मैं बहुत बुरा हूँ। लगता आप मेरी माँ को मुझसे चुरा लोगे बड़े भैया। माँ तो पहले बड़े बेटे की होती है, चोरी छोटा बेटा करता है। क्यों माँ? अरे मैं तो भूल ही गया था, मैं इसलिए आया था क्योंकि बाबूजी कह रहे थे कि आप घर आके सपनों को देख लेते तो अच्छा होता। अच्छा क्या बड़े भैया, बहुत अच्छा होता। ब्रिलियंट आइडिया माँ। तू पागल है? सपना कोई गुड़िया है जिसे मैं देखूंगी, परखूंगी, फिर पसंद करूंगी? तुझे पसंद है, सूरज को पसंद है, तो मुझे भी पसंद होगी। हाँ बेटा, लेकिन मैं उसे मिलना जरूर चाहूंगी। क्यों ना हम एक पार्टी रख ले,
इसी बहाने मैं उसे देख भी लूंगी। ब्रिलियंट आइडिया मॉम। माँ जी प्रसाद। हाँ बेटा ले प्रसाद खा। लो बेटा। नहीं बेटा सूरज ये सपना है ना। हाँ माँ जी सपना। माँ जी नमस्ते। जाओ बेटा राजा वहां है। जी अगर कोई परी आसमान से उतरकर इंसान के रूप में आपके सामने आए तो आप क्या करोगे? वो रही देखिए लेडीज एंड लेडीज माय लव माय लाइफ मेरी परी। हे एक बात तो बताओ अगर सपना जैसी लड़की तुम्हें दिल नहीं देती तो तुम क्या करते? मैं आपसे शेयरी कर लेता। बहन जी आप तो शहर छोड़कर ऐसे गई कि पता ही नहीं चला। जी बिजनेस के सिलसिले में जाना पड़ा और राजा की वजह से वापस आना पड़ा। क्या करें इकलौते बेटे की खुशियों का सवाल है। इकलौते बेटे की बात तो माननी ही पड़ती है ना। राजा ये सूरज कोई खुशी राज नहीं आती इसे माँ लगता फिर किसी पुराने चोट ने दर्द जगा दिया। दुनिया को प्यार बांटते रहता है लेकिन इसे दर्द के सिवा कभी कुछ नहीं मिला। इसका मतलब है तुम्हारे बापूजी ने मुझसे झूठ कहा था कि तुम मेरा बच्चा। मेरे बेटे मेरा बच्चा मेरा बेटा
दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। मैं पूछती हूँ कब पीछा छोड़ेगा तू मेरा? चला जा यहाँ से। तू जानता है तेरी शक्ल से कितनी नफरत है मुझे। क्यों नफरत है मुझसे? हाँ, बचपन से लेके आज तक मैं इसी सवाल का जवाब ढूंढता रहा हूँ, तड़पता रहा हूँ कि मुझ में ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से तुम मुझसे नफरत करती हो। क्यों नफरत करती हो मुझसे? हाँ, क्यों नफरत करती हो मुझसे? इसलिए कि तू इंसान नहीं, इंसान के रूप में दरिंदा है। योगराज, योगराज, तू वो जंगली जानवर है जिसे इस समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं। तुझे तो सलाखों के पीछे होना चाहिए और मैं तुझे वहां पहुंचा कर आऊंगी। जज साहब, जज साहब, जज साहब, इस शैतान के जुर्म की चश्मदीद गवाह में खुद हूं। मैंने अपनी आंखों से इसे उस गरीब लड़की की इज्जत लूटते हुए देखा है और उसके बाद बड़ी बेरहमी से उस मासूम का गला काटते हुए भी देखा है। देखिए जज साहब, देखिए इसे, अभी भी कैसी खतरनाक मुस्कुराहट है इसके चेहरे पर। मगर मुझे इसका कोई डर नहीं। इसकी धमकियों के बावजूद मैं अदालत में सिर्फ इसलिए आई हूं ताकि इंसाफ हो सके। मिस्टर राजा, अगर ये शौक के सदमे से जल्दी बाहर नहीं निकले तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। मुझे तो लगता है इन्हें कोई गहरा सदमा पहुंचा है। कैसा सदमा डॉक्टर साहब? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कल तक तो ठीक थी, खुश थी, फिर अचानक ये। मिस्टर राजा, ये अचानक नहीं हुआ। मेरे ख्याल से इन्हें इस तरह के दौरे पहले भी पड़ चुके। आपके फैमिली डॉक्टर से आपका कॉन्टेक्ट हुआ? जी अभी तो नहीं, क्योंकि वो कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में अमेरिका गए हुए हैं, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं। Please contact him as soon as possible. Okay? बाबूजी, डॉक्टर क्या कह गए मेरी समझ में नहीं आया। अंधेरे में ही रहने दीजिए बाबूजी, उजाला बर्दाश्त नहीं होता। मैं जानता हूं तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है बेटे, लेकिन इस दुख को बर्दाश्त करने के लिए ऊपर वाले ने एक मजबूत सीना भी तो दिया है तुम्हें। तुम्हें अंधेरों से बाहर आना होगा बेटे, खुशियों का रास्ता खुद तलाशना होगा। मेरी मां कैसी है बाबूजी? उसी हालत में है। डॉक्टर का कहना है कि होश में आना जरूरी है, वरना कुछ नहीं होगा मेरी मां को, कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी। माँ, मैं तो तुझे समझ नहीं पाया, लेकिन तू मुझे समझती है। बस मेरी माँ को ठीक कर दे। बड़े भैया, हर बार बस आप मुझे चौंका ही देते हैं। हर बार ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसकी कोई वजह ही नहीं होती। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप मां को मिलने नहीं आएंगे। दिल तो कई बार किया, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मैं मां को इस हाल में देख नहीं सकता। लेकिन मां तुम्हारे घर आई क्यों थी? मैं अचानक पार्टी से चला आया था, उन्हें अच्छा नहीं लगा, मुझे वापस बुलाने आई थी। लेकिन वहां ऐसा हुआ क्या जो मां को इतना जबरदस्त दौरा पड़ा? इसी बात ने मुझे परेशान कर रखा है। समझ में नहीं आता वो चीखने चलाने क्यों लगी। लेकिन सूरज, खैर ये... इस बात को छोड़ो, ये बताओ मां कैसी है? मां की हालत बात सीरियस है बड़े भैया। दो रातों से उन्होंने अपने पलके तक नहीं झपके, बस पत्थर की तरह गुमसुम बैठी रहती है। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हालत बहुत नाजुक है, अगर वो सदमे से बाहर नहीं निकली तो।
जाओ बेटा, जाइए। योगराज नहीं मर सकता। सूरज प्लीज, तुम मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर सकते। पुलिस का रिकॉर्ड साफ बता रहा है कि वो आदमी मर चुका है एक्सीडेंट में। हाँ, और उसकी लाश तक नहीं मिली। ऐसा होता है सूरज। तो फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि योगराज ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए अपनी मौत का बहाना बनाया हो। ये देखो, ये पूरी फाइल में उसकी एक भी तस्वीर नहीं है, ना कोई सबूत ना कोई निशान, और ये सब पन्ने फाड़े हुए हैं। अगर वो मर गया है तो फिर ये सब कुछ किसने किया? हाँ, तुम्हारी ये पुलिस की फाइल्स कुछ भी कहें, लेकिन मेरी माँ का कर्ज चुकाए बिना योगराज मर नहीं सकता। रिलैक्स सूरज, मैं कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें दोबारा योगराज की फाइल्स खोलने की इजाजत दे दें। आइए आइए। नमस्कार 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 ठाकुर साहब। नमस्कार। आप अचानक धर्मपुर में कैसे? वो तो हमारे एमपी देशमुख साहब का आग्रह था, इसलिए मुझे आना पड़ा। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, कृपा है। सुना है आप यहाँ पे महिला कल्याण के लिए कुछ नए कार्यक्रम करने वाले हैं? बिल्कुल सही सुना है आप। हाँ जी, वैसे महिला कल्याण के कामों में मैं हमेशा एक कदम आगे रहता हूँ जी। अब मेरी अपनी कोशिश रहती है कि दबी कुचली महिलाएं समाज में आगे आए और एक सम्मानित दर्जा हासिल करें। हाँ। महिला कल्याण के कुछ कार्यक्रम मैंने बनाए। हाँ हाँ। अब देखना है कि ईश्वर हमारी कितनी मदद करता है। जी बिल्कुल। अच्छा, नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। सूरज का क्या हुआ? कौन सूरज? वो सूरज? हाँ, वो सूरज डूब गया। नहीं, मतलब आपका फोन आती है, मैंने उसकी घंटी बजा दी, वो मर गया। गुड, चलो बाय। हिम्मत भाई, आपने ठाकुर साहब से झूठ क्यों बोला कि आपने सूरज को मरवा डाला? अरे मेरे बाप, अगर मैं ठाकुर साहब से झूठ नहीं बोलता तो वो मेरी फाट डालता। इतनी दज्जा बिखेरता कि सीना मुश्किल हो जाता। साले सूरज का मुझे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।
हिम्मत भाई कहाँ हैं? मुझे नहीं मालूम सर। हिम्मत भाई कहाँ हैं? सर मुझे नहीं मालूम। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ ठाकुर साहब, मुझे बचाओ। छोड़ मुझे, मानो तू आपने पहचाना नहीं तो सूरज भी नहीं पहचानेगा। हिम्मत भाई, ये क्या हरकत है हिम्मत, क्या हरकत है ये? मुझे बचाओ, उस जख्मी शेर से मुझे बचाओ, वरना वो सूरज फुल बैंड बाजे के साथ मेरी आरती सजा डालेगा। तड़पते तड़पते तड़पते। सूरज, लेकिन तूने तो कहा था कि झूठ झूठ बोला था, झूठ बोला था, नहीं तो आप मेरी घंटी बजा डालते। लेकिन उससे कैसे पता चला कि मैं योगराज को जानता हूं? लेकिन वो योगराज को ढूंढ क्यों रहा है? मेरा ऐसा कौन सा गुनाह है जिससे सूरज जैसा दुश्मन खड़ा हो गया? बता हिम्मत कहां है, बता बता हिम्मत कहां है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। वेरी गुड। मिस्टर राजा, आप चाहे तो अपनी माँ को ले जा सकते हैं, लेकिन कंप्लीट बेड रेस्ट लेना होगा आपको। ओके, शी इज वेरी वीक। ओके, टेक केयर। नमस्ते डॉक्टर। माँ चले, लेट मी टेक यू होम। चलो बेटा। आ गए? सपना, आज तो मैंने ठान लिया था कि तुमसे मिलकर ही रहूंगी। क्यों, क्या हो क्या गया है तुम्हें सूरज? मुझे कुछ भी तो नहीं हुआ। तो फिर तुम पहले जैसे क्यों नहीं रहे सूरज? अक्सर मुझे यूं लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी बात छुपाने की कोशिश कर रहे हो। ज्यादा मिलोगे तो वो बात खुल जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं सपना, देखो रात हो गई, तुम जाकर सो जाओ। सूरज, कैसे दोस्त हो तुम? एटलीस्ट मुझे बर्थडे तो विश करो। आज तुम्हारा बर्थडे है? हैप्पी बर्थडे। दुनिया की सारी खुशियां तुम्हें मिले। थैंक्स। आज अगर मैं कुछ मांगू तो दोगे? जो भी मांगो। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तो कल तुम मेरी बर्थडे पार्टी पर जरूर आओगे? बस आऊंगा। बहाना बनाकर टाल तो नहीं दोगे? देखो प्रॉमिस किया है। जरूर आऊंगा। Hey, this is beautiful. Can you give me this one? Sure, sir. Pack it nicely, yeah. Yeah? अरे क्या कर रही हैं आप? इसे क्यों दिखा रही हैं? Sorry, sir. ये हार बिका हुआ है. आप कुछ और देख लीजिए. अरे sir, please. मुझे ये बहुत पसंद है. बाकी हार मैं देख चुका हूँ. आप चाहें तो same design का हार हम आपके लिए भी बनवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए वक्त लगेगा. आज बात है. आज किसी को देना है. Please try. अच्छा, जिन्होंने पसंद किया है ना, मैं उनको फोन करके देखता हूँ. हो सकता है उन्हें जल्दी ना हो. एक सेकंड सर. सपना, हाँ? पार्टी के लिए जगह कैसी रहेगी? Fantastic. Ma'am, this is the best place we have. Okay. Lighting and decoration. All will be done. Sir, मैं DP Jeweler से महेश बोल रहा हूँ. सर, आपने एक हार पसंद करके हमारे यहाँ पे रखवाया था. आप कहें तो मैं घर पे भिजवा दूँ या आप किसी को भेज रहे हैं सर? हार? लीजिए. आप तो भूल भी गए. अरे भाई, वो बलवंत साहब, जुगनू जी, सारी फैमिली के साथ आए थे ना आप? और उनके साथ वो मेहमान थी, क्या नाम था उनका? सपना. हाँ सपना जी, उनके लिए पसंद करके रखवाया था आपने. याद आया सूरज साहब? हाँ याद आया. देखिए, अब मुझे उसकी जरूरत नहीं, आप किसी को भी बेच सकते हैं. ओके, यू आर लकी सर, हार आप ले सकते हैं. जी. खूब है पास,
शायरी। एक फसाना हुआ बीच मौजूद श्री राजपाल ठाकुर साहब हम लोगों को बताएंगे कि बलात्कारियों को क्या सजा मिलनी चाहिए। ठाकुर साहब, इंसान क्यों ये भूल जाता है कि उसे एक औरत ने ही जन्म दिया है? क्यों वो उसी औरत को अपनी हवस का शिकार बनाता है, उसकी इज्जत लूटता है, उसके साथ बलात्कार करता है? हमारी नजर में बलात्कार कत्ल से बड़ा जुर्म है, क्योंकि कत्ल में तो इंसान सिर्फ एक बार मरता है, लेकिन बलात्कार उसे बार बार मारता है, जिंदगी भर मारता है। और औरत जिंदगी भर इस बात के लिए परेशान रहती है जिसमें उसका कोई दोष नहीं। औरत भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। औरत का दर्जा भगवान के समकक्ष है। लेकिन पता नहीं क्यों हवस की आग में अंधे होकर कुछ शैतान उस पवित्र मूरत को तोड़ने की कोशिश करते हैं, और ऐसा घिनौना काम करने वालों को सिर्फ 7 साल की सजा नहीं बल्कि उन्हें सड़क पर खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। शुक्रिया। ये इसी होटल का मालिक है सूरज, और ये वही लड़का है जिसने आपकी फाइल। बाकी सारे लोगों की तालियों में हमने अपने लिए मान सम्मान पाया, लेकिन आपकी ताली हमारा मजाक उड़ा रही है, ऐसा लगा मुझे। मुझे भी ऐसे ही लगा जैसे आपकी जुबान आपके चेहरे का साथ नहीं दे रही है। आपको नहीं लगता उसे गोली मारकर उसकी मौत आसान हो जाएगी? तो फिर कैसी सजा देनी चाहिए उसे? उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहिए, उसकी आंखें निकाल देनी चाहिए जिन आंखों से उसने औरत को हवस की नजर से देखा, उसके वो हाथ काट देने चाहिए
जिन हाथों से उसने औरत का आंचल खींचकर उसे बेइज्जत किया, उसे सड़क पर खड़ा करके कोड़ों से मारना चाहिए, इतना मारना चाहिए कि उसके जिस्म का जरा जरा जख्मी होकर माफी की भीख मांगे। वाह, कैसी अच्छी सजा सोची है आपने, इतनी नफरत। इतनी नफरत की कोई खास वजह? बुराई से नफरत करने के लिए कोई वजह की जरूरत पड़ती है आपको ठाकुर? ठाकुर साहब, बड़े दिलचस्प इंसान लगे तुम हमें। फिर आपकी जुबान आपके चेहरे का साथ नहीं दे रही। सच बोलने वाले दिलचस्प नहीं, कड़वे लगते हैं भाई। हो सकता है फिर हमारी जुबान हमारे चेहरे का साथ ना दे, लेकिन तुम जैसे लोग हमें बहुत पसंद हैं। लेकिन आप हमें बिल्कुल पसंद नहीं आए। आखिर इतने बुरे क्यों लगे हम तुम्हें? हमारी पहली मुलाकात है। नहीं ठाकुर साहब, हम अजनबी नहीं, मिल चुके हैं। कहाँ? पता नहीं, लेकिन मिल चुके हैं। मैं समझ गया हिम्मत कि तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब तुम सिर्फ देखो कि मैं तुम्हारे शेर को कैसे भीगी भीली बनाता हूं। चलो ड्राइवर। आप मुझे बताते क्यों नहीं कि जो बार बार माँ को दौरे पड़ते हैं उसके पीछे वजह क्या है? मेरे लिए ये बात कहनी जितनी मुश्किल होगी उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे लिए सुननी मुश्किल होगी। बरसों पहले तुम्हारी मां के साथ एक हादसा हुआ था। मैं हॉस्पिटल में ड्यूटी पर था। तो वो बात नसीब जिसे हमसे अलग करके शहर में छोड़ दिया गया, तो सूरज है ना? बड़े भाई, बड़े भाई, मैं इधर हूँ। राजा, मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया तूने? क्योंकि जो बात मुझे आपसे करनी थी ना ही वो हवेली में हो सकती थी और ना ही आपके घर में, और फिर पी इसलिए ली थी क्योंकि होश में तो ये बात बिल्कुल नहीं हो सकती थी। I'm sorry। ऐसी क्या बात है राजा? राजा, अभी सिर्फ राजा, छोटे भाई कह के नहीं बुलाओगे बड़े भैया? गले नहीं लगाओगे? आपके एहसान को, आपके प्यार को, आपकी कुर्बानियों की किसी भी चीज को समझ नहीं पाए बड़े भैया। और आज पता चला कि बड़ा भाई सचमुच कितना बड़ा होता है। हाँ भैया, भाइयों कर भी कितनी अलग अलग किस्मत है हमारी। सारे सुख मुझे और सारे दुख आपको, सारी खुशियां मेरे हिस्से में और सारे गम आपके हिस्से में। वहां का सारा प्यार मुझे मिला और आपको सिर्फ नफरत। वहां के मुंह से बेटा कहके बुलाने वाली आवाज को भी आप तरस गए। भैया, आपकी तकलीफों के बारे में सोचता हो ना तो भी
अब कोई तकलीफ नहीं है राजा, मेरा भाई मेरे पास है। अगर ये सच है तो सूरज ने अपने खत तुम्हें क्यों दिए? क्योंकि वो मेरा भाई है सपना। छोटे भाई की खुशियों के लिए अक्सर अपनी खुशियां कुर्बान कर देते हैं बड़े भाई। सपना मेरे भाई को उसकी जिंदगी में सिवाय दुखों के और कुछ नहीं मिला। तुम तो जानती हो बदनसीबी कैसे उसके साथ साथ चलती है। ऐसे भाई की कुर्बानियों का मैं क्या जवाब दूं? सपना मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो। मैं नहीं चाहता कि जिस तरह बचपन में मैंने उसे उसकी मां छीनी थी, आज बड़ा होकर उसे उसका प्यार छीन लो। सपना मेरी, सपना सूरज, एक सच बात बताओगे? पूछो। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ये कैसा सवाल हुआ? सीधा और बिल्कुल साफ। तुम्ही ने कहा था ना, प्यार का रिश्ता एक अजीब रिश्ता होता है। दुनिया के सारे रिश्ते इसे एक रिश्ते में सिमट कर आ जाते हैं। मैं जानना चाहती हूँ सूरज, ये सारे खत तुमने मेरे लिए लिखे थे? सिर्फ प्यार का रिश्ता ही सब कुछ होता है, दोस्ती का कोई रिश्ता नहीं होता। तुमने ऐसे सोचा भी कैसे? तुम्हारे दिल में ये शक आया भी कैसे? इन खतों की वजह से, इसमें जो नाम लिखा है सपना, उसकी वजह से? अरे क्या दुनिया में सिर्फ एक ही सपना है? इत्तेफाक से जिस लड़की को मैंने चाहा, उसका नाम भी सपना था। क्या? वो मेरी नहीं हुई, किसी और की हो गई। खैर, मुझे क्या पता था कि मेरे खत मेरे भाई के काम आएंगे। मेरी सबसे अच्छी दोस्त मेरी दोस्ती को नहीं समझ पाई। I'm sorry, दोस्त। जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय भोले शंकर। जटा कटंग संभ्रमं भ्रमन्न लिम्ब निर्झरी, विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनी, धगत 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 ज्वलललाट पट पावके, किशोर चंद्रशेखर रति रति क्षण। योगराज, ये क्या कर रही है आप? छोड़िए हमारे ठाकुर साहब, छोड़िए, छोड़िए इन्हें, छोड़िए। कुछ नहीं, योगराज। ठीक ठीक, आप सॉरी सर। सर ये हमारे ठाकुर साहब हैं। आप सॉरी ठाकुर साहब। वो क्या है, माँ को अक्सर ऐसे दौरे पड़ते हैं, उनकी तबीयत जरा खराब है। I'm really sorry. It's sorry, sir. It's all, है? माँ? नहीं माँ, माँ योगराज नहीं है, माँ ठाकुर है, ठाकुर साहब है।
सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, मैंने कोई भेस नहीं बदला है, मुझे जलाया है, मुझे सूरज ने जलाया है। वो सूरज ने नहीं, वो अपने सूरज ने जलाया है। लेकिन अच्छा हुआ कि मैं सही वक्त पर डॉक्टर के पास पहुंचा। किसी ने सच कहा है कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, जिसने मुझे भी बचाया और आपके सवाल का जवाब भी दे दिया, जो आपको बहुत परेशान करता था कि सूरज आपके पीछे क्यों पड़ा है। हाँ गोगे, जब मैं होश में आया तो ये डॉक्टर को मैंने सूरज के बारे में कुछ कहते हुए सुना। सूरज, तब मैंने दबाव डाला तो कुछ ऐसा पता चला कि आप बताइए ना। मेरा दिल तो कहता है कि ठाकुर योगराज है, क्योंकि जब भी हम योगराज को ढूंढने निकलते हैं तो कहीं ना कहीं से ठाकुर बीच में आ जाता है। हाँ सूरज, लेकिन सिर्फ शक। अरे सबूत भी मिल जाएगा। कभी कभी मुजरिम का डर खुद उसके जुर्म का सबूत बन जाता है। हेलो योगराज। कौन योगराज? वही योगराज जिसने कई साल पहले इसी धर्मपुर में ना जाने कितनी मासूम लड़कियों की इज्जत लूटी और फिर उनका गला काट दिया। मुझे लगता है कि आपने कोई गलत नंबर डायल किया है। यहां पर कोई योगराज नहीं रहता, यह ठाकुर राजवीर सिंह का घर है। योगराज, तुम ठाकुर बनकर दुनिया को धोखा दे सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। मैं कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं और तुम आ गए। मैंने कहा ना तुम्हें, मैंने कहा तुमसे कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई। मैं तुम्हारी आवाज अच्छी तरह से पहचानता हूँ। सुनो, तुम्हारे गंदे कामों का सबूत है मेरे पास। सौदा करना चाहता हूँ तुम्हारी जिंदगी का, सिर्फ 50 लाख। आज शाम को ठीक 5 बजे रॉयल क्लब में टेबल नंबर 10 पर रुपए लेकर पहुंच जाना, वरना इन तस्वीरों के खरीदार और भी हैं। हेलो हेलो हेलो, अब अगर वो या उसका कोई भी आदमी वहां पर पहुंच गया तो उसका मतलब ये हुआ कि ठाकुर ही योगराज। मैंने प्रतिज्ञा की है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने वाले इस पुरुष समाज को एक नया वैसे तो पहली मुलाकात में मैं तुझे देख के सोच में पड़ गया था कि बाबूजी जैसी नरम चीज ने सूरज जैसी इतनी गर्म चीज को कैसे पैदा कर दिया। वो तो बाद में मुझे पता चला कि तू तो अपना जायज औलाद है। इतना गुस्सा, एक सच्ची बात पे इतना गुस्सा। सूरज, आज तेरी मौत तय है। क्यों, तुझे दिखाई नहीं देता? ध्यान से देखो, आज मेरा चेहरा मेरी जुबान का साथ दे रहा है। मानना पड़ेगा तुझे, आखिर तूने मुझे पहचान ही लिया कि मैं योगराज हूं। जिस योगराज से लोग आंख मिलाते हुए डरते हैं, उसके ऊपर तूने हाथ उठाया। बहुत गलत अंदाज लगाया तूने मेरी ताकत का। तू बुज़दिल और कायर है, औरत की आबरू तो लूटना जानता है,
लेकिन उस पाक के अंश से जिस तेजाब का जन्म होता है उसका सामना करने की हिम्मत नहीं है तेरे अंदर, इसलिए मुझे बांधकर हिजड़े की तरह पेश आ रहा है। क्या कहा तूने? हिजड़ा? तेरा इस दुनिया में होना तेरे शब्दों का साथ नहीं देता सूरज, वाकई बहुत जान है तू बिल्कुल अपनी मां पे गया बेटा, पता है वो भी बहुत जानदार थी, शराब के प्याले की तरह एकदम नशीली, पूर्णिमा के चांद की तरह जवान, खोलते कड़ाए की तरह एकदम गर्म। तनहा निहत्था आदमी तुम्हारी पूरी पुलिस फोर्स की पकड़ में नहीं आ रहा, लानत है तुम्हारे ऊपर। ठाकुर साहब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तो बिल्कुल जैसे भी हो ढूंढो उसे, इसके पहले कि वो कुत्ता हमें काटे उस कुत्ते को काट डालो, समझे? ठीक है ठाकुर साहब। सूरज तुम फौरन वो जगह छोड़ दो, एसपी राणा को तुम्हारा पता चल गया है और वो तुम्हारा एनकाउंटर करने निकला है। और सुनो सूरज, पुलिस के सामने ठाकुर का पर्दाफाश हो गया है, उसकी फिंगरप्रिंट से साबित कर दिया है कि वही योगराज है, लेकिन वो फरार है। सूरज बाहर निकलो, गाड़ी छोड़ो। ये चांस चाहिए।
योगराज बेटा, सूरज बेटा बेटा, मैं तेरी कर्जदार हूं। जो प्यार तुझे मिलना चाहिए था मैं तुझे ना दे सकी, मुझे माफ कर दे बेटा। नहीं माँ, इस बार बोल माँ, देख आज मैं कितना खुश हूं, अपनी माँ की गोद में हूं।